और सोनभद्र से यह बड़ी खबर देखें, नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। ये अपडेट मिल रहा है सोनभद्र नगर पालिका का, वार्ड नंबर 6 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। सोनभद्र नगर पालिका से सपा के लिए अच्छी खबर। इधर इटावा में एकदिल नगर पंचायत से निर्दलीय आगे हैं। एकदिल नगर पंचायत पर अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय आगे चल रहे हैं, इटावा से खबर मिल रही है। इटावा में एकदिल नगर पंचायत में निर्दलीय उम्मीदवार आगे नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। इटावा एकदिल नगर पंचायत, वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए आगे, 60 वोटों से आगे निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब देवी। ये सपा और भाजपा दोनों के लिए निराशाजनक खबर। वैसे अंतर ज्यादा नहीं, 60 वोटों का अंतर है गुलाब देवी के पक्ष में, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। एकदिल नगर पंचायत है इटावा की, वहां की खबर है ये, 60 वोटों से आगे गुलाब देवी निर्दलीय उम्मीदवार। सोनभद्र से खबर मिल रही है, बिल्कुल सोनभद्र की जानकारी हम आपको दे दें। देखिए 60 वोटों से इटावा के जो नगर पालिका के सदस्य थे वो आगे चल रहे हैं, लेकिन सोनभद्र का हाल देखिए, नगर पंचायत अध्यक्ष ओबरा में समाजवादी पार्टी, चुर्क घुमा में भाजपा, अनपरा का अभी तक नहीं आया है, दूधी में भी नहीं आया, लेकिन डाला बाजार में भारतीय जनता पार्टी आगे और घोरावल में बसपा आगे है। 54 में अन्य जो निर्दलीय है वो आगे नजर आ रहे हैं। सोनभद्र नगर पंचायत अध्यक्ष का ये पूरा गणित हम आपको समझा रहे हैं, कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। बिल्कुल, और नगर पालिका अध्यक्ष पद की बात करें तो सोनभद्र नगर पालिका में भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष पद की रेस में आगे है, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष पद में सपा, भाजपा और बसपा, इन सब के लिए मौका है। कुछ जगहों पर अभी रुझान नहीं आए हैं। 54 नगर पंचायत में अन्य के आगे होने की खबर है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष पद पर सोनभद्र में भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और आगरा से बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, बसपा प्रत्याशी लता वाल्मीकि ने 21,309 वोटों की बढ़त बनाकर रखी है, ये बहुत कंफर्टेबल मार्जिन। आगरा में बसपा ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की हुई है, लता वाल्मीकि उनकी उम्मीदवार हैं और 21,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। ये बहुत बड़ी बढ़त, ये कंफर्टेबल मार्जिन। बिल्कुल, कानपुर देहात की बात करें, देखिए झिंझक नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे निकलती हुई नजर आ रही है। कानपुर देहात की झिंझक नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। कानपुर देहात की झिंझक नगर पालिका का यह हाल हम आपको बता रहे हैं। मेयर सीट पर जो दिलचस्प मुकाबला है वो तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर झिंझक नगर पालिका की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। अंबेडकर नगर सीट का हाल भी देखिए। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम आगरा के समीकरण बता दें अपने दर्शकों को। नगर पालिका अध्यक्षों की अगर बात करें तो अचनेर नगर पालिका के रुझान अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन अतपातपुर में समाजवादी पार्टी आगे है, शमशाबाद से कोई रुझान, फतेहपुर सीकरी और बास है, इन तीनों नगर पालिकाओं से अभी कोई रुझान नहीं है, लेकिन अतपातपुर नगर पालिका में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पद पर आगे चल रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद की बात करें, नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो पीराहाट में भारतीय जनता पार्टी, जगनेर में अभी रुझान नहीं आए हैं, फतेहाबाद में नहीं आए हैं, किरावली में अन्य यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, आगे निकल गए हैं, दयालबाग में भी अन्य आगे निकल गए हैं, खेरागढ़ में रुझान नहीं आए हैं, स्वामी बाग में अभी तक रुझान नहीं आए। तो आगरा में नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की क्या लड़ाई इस वक्त चल रही है वो आपके सामने है। काफी दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है नगर पालिका अध्यक्ष में, नगर पंचायत अध्यक्ष में, और ये तमाम सीटों का हाल भी हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हमें मिल रही है एटा से, निधौली नगर पंचायत से निर्दलीय आगे हैं। एटा में निधौली नगर पंचायत अध्यक्ष पद की रेस में निर्दलीय आगे चल रहे हैं, निर्दलीय के लिए मौका दिखाई दे रहा है यहाँ पर नगर पंचायत में, एटा की निधौली नगर पंचायत में। बिल्कुल, एटा निधौली नगर पंचायत से निर्दलीय आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी आगे निकल रही है, लेकिन निर्दलीय भी उतनी ही टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। एटा में निधौली में आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी, नगर पंचायत निधौली का ये हाल हम आपको बता रहे हैं एटा की निधौली। और आगरा फतेहाबाद नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, भाजपा की बबीता से आगे है निर्दलीय प्रत्याशी। आइए एटा का पूरा समीकरण आपके सामने रख रहे हैं एटा जिले का, और वो आपकी स्क्रीन पर विस्तृत रूप में हम रखने जा रहे हैं। एटा में देखिए नगर पालिका अध्यक्ष पद की रेस में एटा नगर पालिका में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। ऐसे ही मारहरा अलीगंज में अभी तक कोई रुझान सामने नहीं आया, लेकिन जलेसर नगर पालिका में अन्य के लिए अभी फिलहाल अच्छी खबर है, निर्दलीय वहां पर आगे हैं। नगर पंचायत के बारे में, नगर पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए, राजा का रामपुर में भारतीय जनता पार्टी, सकीट में बसपा, अवागढ़ में अन्य, मिर्हाची में नहीं आए रुझान, जैतरा में भी नहीं आए हैं। निधौली कला की बात करें तो अन्य यहाँ पर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष का। एटा का हाल ये हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके का मुकाबला एटा में इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है, कहाँ कहाँ पर टक्कर की फाइट नजर आ रही है। मेरठ के बाद अब देखिए सिकंदरा राव नगर पालिका से AIMIM प्रत्याशी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, मेरठ के बाद अब हाथरस में AIMIM का शानदार प्रदर्शन, हाथरस में दबदबा दिखाई दे रहा है।
ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का हाथरस में शानदार प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार। मैनपुरी से खबर है, किशनी नगर पंचायत से सपा 871 वोटों से आगे चल रही है। मैनपुरी से खबर है, जो सपा का स्ट्रांग होल्ड है यहां पर, किशनी नगर पंचायत से सपा 871 वोटों से आगे चल रही है। मैनपुरी से ताजा अपडेट, कुसुमरा नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी 1240 वोटों से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़, किशनी नगर पंचायत की बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 871 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुसुमरा नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो आगे है, लेकिन एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।